जय भीम नव बुद्धाय। मैं हूं करण बौद्ध, आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। आज हम मनुस्मृति दहन के बारे में बताएंगे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को काले कानूनों की किताब मनुस्मृति को जलाया था। महाड़ के सम्मेलन स्थल में पंडाल बनाकर, गड्ढा खोदकर और चिता बनाकर उसमें काले कानूनों वाली ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहब के साथ एक ब्राह्मण साथी जिसका नाम सद्बुद्धि था, वो मनुस्मृति में उनका साथ दिया था। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी। पहला है, मैं जन्म आधारित चतुर्वर्णों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जात भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। तीसरा है, मेरा विश्वास है कि जात भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूँगा। चौथा है, यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। पांचवा है, मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। ये भारत के इतिहास में 25 दिसंबर 1927 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया था, जो बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन था। वहां पर हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहां पर मनुस्मृति दहन स्थल बनाया गया है और वहां पर हर साल मनुस्मृति दहन किया जाता है। जय भीम नव बुद्धाय। और चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आप, मैं आपको यहाँ पर जो कोटेशन है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर जो आप अभी कभी भी यहाँ पर महाराष्ट्र आइए तो वहाँ पर आप चौदार तालाब, जो बाबा साहब ने ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था, और यहाँ पर जहाँ पर बाबा साहब ने मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, यहाँ पर आप लोग जरूर आइए। और यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक वहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर बहुत बड़ा है, उसको आप लोग आइए और जोर देखिए। हम इसको आपको कोटेशन जो इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में आपको दिखाना चाहते हैं। और आप ये जो स्तंभ है इसका आप इसको आप देख लीजिए, बहुत बड़ा है। धन्यवाद। और आप लोग इसे बुद्ध नाइट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको हर महापुरुषों और अपने बौद्ध स्थल और महापुरुषों की जानकारी के लिए